एमएनएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 बच्चों को समान रोग, एक की मौत, साइबर अपराधियों की महिला से छेड़खानी, आज नहीं होगा कोविशील्ड का टीकाकरण। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। अमरावती के रानी तंबोली गांव में एक ही परिवार के 4 बच्चों की एक जैसा ही रोग हो गया है। हीरालाल भिलावेकर की 4 बच्चियां गौरी, जानवी, अनुष्का, संजना, चारों में से उपचार के दौरान संजना की मंगलवार शाम 7 बजे मौत हो गई। रानी तंबोली गांव के एक ही परिवार के 4 बच्चों को बुखार, उल्टी व दस्त के कारण रविवार को धारनी उपजिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सभी को एंटीबायोटिक व सलाइन दी गई। संजना नामक बच्ची की वायरल इंक्लाबेडिस के कारण मौत होने की आशंका है। दूसरी खबर, नागपुर के सदर थाना अंतर्गत एक महिला से रुपए ट्रांसफर किए जाने से इनकार करने पर साइबर अपराधियों ने मोबाइल पर न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर छेड़खानी की है। आरोपी महिला को गालियां देकर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने महिला और उसके पति को न्यूड फोटो तथा वीडियो भेजे। महिला ने सदर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकाने तथा छेड़खानी का मामला दर्ज किया है। पैसे नहीं देने पर साइबर अपराधियों द्वारा गालियां देने अथवा धमकाने की घटनाएं होती है, लेकिन महिला से अश्लीलता करना बेहद गंभीर है। तीसरी खबर, सरकार से कोविशील्ड के टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से मनपा के सभी केंद्रों पर गुरुवार को किसी भी आयु वर्ग में टीकाकरण नहीं होगा, ऐसी जानकारी आयुक्त राम जोशी ने दी है। आयुक्त राम जोशी ने बताया कि 18+ और 45+ आयु वर्ग के नागरिकों को कोवैक्सीन का पहला और दूसरा टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बैरिस्टर राजा भाव खोबरागढ़ी सभागृह, सिद्धार्थ नगर, आशी नगर जोन के पीछे व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महारोग निदान केंद्र में कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध किया गया है। खास खबरों को यही विराम देते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।